बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 29 दिसंबर सन 2022 और जुमेरात का दिन है और ग्रीन लाइन ट्रैक के नीचे इस वक्त जो बारबेक्यू वगैरह लगाया जाता है उन बारबेक्यू की भी अब नंबर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये रात में बारबेक्यू स्टार्ट होता है, इसी फुटपाथों के बीच में टेबलें वगैरह सब लगा दी जाती हैं। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए ये रास्ते बंद हो जाते हैं। तो केएमसी की एक बड़ी कार्रवाई पावर हाउस चौरंगी, इसके बाद ग्रीन लाइन के ट्रैक के नीचे जितने भी बारबेक्यू चूल्हे वगैरह आप देख रहे हैं, ये तमाम काउंटर वगैरह जो है ये केएमसी का अमला कार्रवाई करते हुए इन तमाम चीज़ों को जब्त कर रहा है और ग्रीन लाइन के ट्रैक के नीचे के एरिया जो फुटपाथ का है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो हमारे साथ रहें, हम यहाँ की तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा तमाम चीज़ें, सब केएमसी का अमला जब्त करने में मसरूफ़ है। सीनियर डायरेक्टर एनटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत के ज़ेर निगरानी सेंट्रल एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान के ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है तजावीज़ात के ख़िलाफ़। केएमसी तजावीज़ात के ख़िलाफ़ रूस की बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही है और हम जैसे जैसे हमें मौका मिलता है हम आपको उसकी अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो आज पावर हाउस चौरंगी के बाद जो ग्रीन लाइन के जो ट्रैक हैं, ये ग्रीन लाइन का ट्रैक है, इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ से गुजरते होंगे तो रात के टाइम आपको नज़र आता होगा बारबेक्यू वगैरह लगे हुए। सामने रेस्टोरेंट है और ये लोग फुटपाथों पर चूल्हे और टेबलें तख्त वगैरह सब डाल देते हैं। फिर होता यह है कि पैदल चलने वालों के रास्ते बंद हो जाते हैं और इधर ये कारोबार शुरू हो जाता है। तो कराची के बेशतर इलाकों में तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। अब केएमसी इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और जितनी भी इलाके हैं जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं तख्त वगैरह ये तमाम चीज़ें जब्त करने का अमल तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। साथ के साथ जो काउंटर वगैरह फुटपाथों पर रखे हुए हैं चिप्स के और दीगर चीज़ों के, उनको भी केएमसी का अमला उठाने में मसरूफ़ है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।